नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस क्वेश्चन सीरीज में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ बहुत ही बेसिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन इतने बेसिक्स हैं और इतने इम्पॉर्टेंट है कि आप ये वीडियो देखने के बाद ये एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि आपका प्रिपरेशन बेटर चल रहा है। और दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपका बेसिक्स रिवाइज भी हो जाएगा और आप खुद को जज भी कर पाएंगे कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किरचॉफ्स लॉ इज अप्लीकेबल टू, कि किरचॉफ लॉ किस पे अप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों, किरचॉफ लॉ एक्ट डीसी और एसी दोनों सर्किट्स के लिए किरचॉफ लॉ अप्लीकेबल होता है। अब दोस्तों, अगर बात करें केसीएल की बात करें और केवीएल की बात करें, तो दोस्तों केसीएल जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे चार्ज पे डिपेंड करता है। और केवीएल की बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है केवीएल। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में। अब दोस्तों, अगर केसीएल की बात करें, केसीएल में अगर एन नंबर ऑफ नोड्स हैं, बेसिकली केसीएल हम दोस्तों नोड्स पे ही लगाते हैं। अगर केवीएल की बात करें दोस्तों, अगर उसके पास बी नंबर ऑफ ब्रांचेज या एन नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो जो नंबर ऑफ इक्वेशन बनेंगे केसीएल के केस में वो एन माइनस वन डिफरेंट इक्वेशन बनेंगे केसीएल के केस में। अगर केवीएल की बात करें दोस्तों, तो बी माइनस एन माइनस वन नंबर ऑफ डिफरेंट इक्वेशन बनेंगे केवीएल के केस में। दोस्तों, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज़ आप इसे भी याद कर लीजिएगा। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको पता है तो उसको आंसर देंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, पावर फैक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो दोस्तों पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक बल्ब को देखा जाए तो वो एज अ रजिस्टिव एलिमेंट होगा, एज अ रजिस्टिव एलिमेंट होगा जो पावर को कंज्यूम करेगा, वोल्टेज को कंज्यूम करेगा। तो रजिस्टिव एलिमेंट का, जैसा कि दोस्तों आपको पता है पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है, पावर फैक्टर यूनिटी होता है रजिस्टिव एलिमेंट की। अगर दोस्तों बात करें कैपेसिटिव एलिमेंट का, तो कैपेसिटिव एलिमेंट का जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों वो लीडिंग होता है पावर फैक्टर कैपेसिटिव एलिमेंट का। और इंडक्टिव एलिमेंट का दोस्तों पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग होता है। इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में। दोस्तों, इंडक्टर मीन्स क्या होता है, अगर आप इंडक्टर अगर कहीं लैगिंग की बात आए और उसका रिलेशन कहीं ऑप्शन में ना दिखे, तो अगर इंडक्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ है तो आप उसको ज़रूर टिक करिएगा, क्योंकि इंडक्टर हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों में लैग किया रहता है, पावर फैक्टर भी लैग करता है इंडक्टर का। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर द सेम इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज, वो सर्किट जिसका दोनों डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम हो वो किस टाइप की सर्किट कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, वो बाईलेटरल सर्किट कहलाती है। जैसे अभी बाईलेटरल और यूनिलेटरल डिवाइसेस की या फिर एलिमेंट्स की बात करें, तो डायोड दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में वर्क करता है, लाइक ये फॉरवर्ड बायस में ही सिर्फ वर्क करता है। तो इस टाइप के डिवाइसेस को दोस्तों क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल डिवाइसेस बोलते हैं। अब अगर बात करें दोस्तों रजिस्टर की बात करें, तो ये दोनों डायरेक्शन में सेम ही वर्क करेगा, इसकी प्रॉपर्टी चेंज होने वाली नहीं। अगर कैपेसिटर की बात करें दोस्तों, ये भी दोनों डायरेक्शन में सेम वर्क करने वाला है। इंडक्टर की बात करें दोस्तों, तो ये भी दोनों डायरेक्शन में सेम वर्क करने वाला है। मीन्स वो एलिमेंट्स जो दोनों डायरेक्शन में सेम वर्क करते हैं उसको बाईलेटरल एलिमेंट्स बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसको बाईलेटरल एलिमेंट्स बोलते हैं। और अगर सेम प्रॉपर्टी अगर किसी सर्किट में अप्लीकेबल हो जिसमें उसकी प्रॉपर्टी चेंज ना हो दोनों डायरेक्शन में, तो वो ऐसे सर्किट्स को बाईलेटरल सर्किट्स बोलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेजर सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस कौन सा मेजर नहीं कर सकता। दोस्तों, मैक्सवेल ब्रिज सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करता है, हेज ब्रिज भी सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करता है और ओम्स ब्रिज भी सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करता है। अब दोस्तों बात करें केल्विन डबल ब्रिज की, तो केल्विन डबल ब्रिज दोस्तों बेसिकली यूज होता है लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए केल्विन डबल ब्रिज का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केल्विन डबल ब्रिज। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज यूज टू मेजर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन के लिए दोस्तों वेन ब्रिज का यूज करते हैं। जब भी बात आए फ्रीक्वेंसी की, तो सीधे आप वेन ब्रिज पे स्विच करिएगा, क्योंकि वेन ब्रिज ही बेस्ट ऑप्शन होता है सब में, वेन ब्रिज ही यूज होता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को मेजर करने के लिए या फिर ऑसिलेशन में। अब दोस्तों, अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो जैसे ये इंस्ट्रूमेंट्स के क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो सब में होनी चाहिए,
कि अ मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी मीन्स अगर एक कोई एलिमेंट है उसमें सेम हम बार बार अप्लाई करें कोई वोल्टेज या करेंट तो जो रिजल्ट मिले हमें सेम रिजल्ट मिले तो उस प्रोसेस को दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। मीन्स अगर किसी बार बार हम सेम वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट या किसी सर्किट पे अगर हमें आउटपुट सेम मिल रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो जो एलिमेंट है या फिर वो जो सर्किट है या फिर वो जो डिवाइस है वो काफ़ी प्रिसाइज है, काफ़ी प्रिसाइज है। और अगर एक्यूरेसी की बात करें दोस्तों तो एक्यूरेसी मटेरियल की या फिर डिवाइस की वो प्रॉपर्टी होती है जो एक्यूरेट रिजल्ट देती है, मीन्स जो आइडल वैल्यूज़ होती हैं उसके पास तक जाके वो वैल्यू देती है तो वो एक्यूरेसी कहलाती है उस इंस्ट्रूमेंट्स की। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बेलोज। बेलोज क्या होते हैं? बेसिकली वो ट्रांसड्यूसर होते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट या फिर आप कह सकेंगे डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये बेलोज एक टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं, ये पैसिव ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। तो इस फिगर में दोस्तों ये फिगर जो बता रहा है ये बेलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। अब अगर दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन की टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ थर्मिस्टर, जैसे मैंने आपको बताया था थर्मिस्टर क्या है, थर्मिस्टर भी एक टाइप का ट्रांसड्यूसर है जहाँ पे आप देखेंगे थर्मिस्टर को अगर डिवाइड करें तो थर्मल प्लस रजिस्टर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स थर्मल प्लस रजिस्टर आप इसको डिवाइड कर इसको कह सकते हैं थर्मिस्टर को। मीन्स इसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और बहुत ही सेंसिटिव होती है उसके टेम्परेचर पे। और जो इसका टेम्परेचर कोफिशियंट होता है वो हाई होता है और निगेटिव होता है, हाई होता है निगेटिव होता है। मीन्स अगर हम थर्मिस्टर का टेम्परेचर थर्मिस्टर पे बढ़ाएंगे तो जो इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो घटेगी, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो ये होता है थर्मिस्टर के केस में, ये निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है और बहुत ही हाई सेंसिटिव होता है। तो थर्मिस्टर क्या है, एक थर्मली डिपेंडेंट रजिस्टर है दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजिटल ट्रांसड्यूसर। अगर डिजिटल ट्रांसड्यूसर की बात करें दोस्तों तो इनकोडर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिजिटल ट्रांसड्यूसर जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है। लाइक आप अगर इनकोडर की बात करें तो वह एक कोड पर्टिकुलर कोड को दूसरे कोड में चेंज करती है। डिफरेंट डिफरेंट कोड मीन्स व्हाट, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज को वो चेंज करती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिजिटल ट्रांसड्यूसर इज इनकोडर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, LVDT गिव्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ। LVDT जो जैसा कि दोस्तों आपको पता है एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है LVDT। तो LVDT पैसिव ट्रांसड्यूसर होने के कारण ये बेसिकली क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट, लीनियर जो कोर होता है उसका डिस्प्लेसमेंट कोर के लीनियर डिस्प्लेसमेंट करता है। तो ये होता है इसका बेसिक फंक्शन कि LVDT गिव्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर। लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर के फॉर्म में क्या करता है, ये आउटपुट देता है LVDT। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अ मल्टीमीटर कंसिस्ट ऑफ। दोस्तों इसके नाम से ही क्लियर है कि मल्टी मीन्स कई सारे फंक्शंस को वो मेजर कर सकेगा। मीन्स उसके अंदर वोल्ट मीटर भी होगा, करेंट मीटर या फिर इसको आप अमीटर भी बोल सकेंगे, एंड ओम मीटर। रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है, करंट को भी मेजर कर सकता है, एंड वोल्ट को भी मेजर कर सकता है। इसलिए दोस्तों इसको मल्टीमीटर बोला जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ट्रांसड्यूसर आर नॉट नोन एज, मीन इनमें से कौन सा ट्रांसड्यूसर नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो गेज एक टाइप का ट्रांसड्यूसर है जो आई थिंक प्रेशर को कन्वर्ट करता है किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, एंड पिकअप्स भी एक टाइप का ट्रांसड्यूसर है, सिग्नल जनरेटर भी एक टाइप का ट्रांसड्यूसर। लेकिन दोस्तों ट्रांजिस्टर कोई भी ट्रांसड्यूसर नहीं है। ट्रांजिस्टर क्या करता है, सिर्फ सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है और ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, इनपुट रजिस्टेंस को आउटपुट रजिस्टेंस को चेंज करता है। ये ट्रांजिस्टर किसी भी टाइप का ट्रांसड्यूसर नहीं है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा, ट्रांजिस्टर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट, ये फिगर क्या बता रहा है। बेसिकली ये फिगर दोस्तों पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर बता रहा है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के केस में जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और सेम मैनर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। दोस्तों ये एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जिसको रिवर्स ट्रांसड्यूसर या फिर इनवर्स ट्रांसड्यूसर भी बोला जाता है, क्योंकि अगर इस पर हम मैकेनिकल एनर्जी अप्लाइड करते हैं, मीन्स इसको प्रेस करते हैं दोस्तों, अगर इसको प्रेस करते हैं तो ये उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है।
और अगर इस पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं तो ये वाइब्रेशन लाइक मैकेनिकल एनर्जी देता है। तो ये पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो है दोस्तों, ये रिवर्स ट्रांसड्यूसर या इनवर्स ट्रांसड्यूसर नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज आर यूज्ड वेयर। सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज कहाँ पे यूज होते हैं? वहाँ पे यूज होते हैं दोस्तों जहाँ पे हाई गेज फैक्टर की ज़रूरत होती है, वहाँ पे सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज की ज़रूरत होती है। दोस्तों सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज क्या है? एक टाइप का ट्रांसड्यूसर है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बेसिकली एसोसिएटिव लॉ रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर दोस्तों बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, तो ए एंड बी प्लस सी है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन एसोसिएटिव लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये इक्वेशन। अब दोस्तों ये कितना बेसिक क्वेश्चन है, अब इसको तो आंसर देने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको भी पता होगा नॉर गेट क्या है। तो ऐसे भी क्वेश्चन सोचिए पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, बेसिक आपको अगर पता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर तुरंत देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अब दोस्तों अभी आप ये मत कहिएगा कि ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तब मैं आप लोगों को ये रिस्पॉन्स शीट से दिखा रहा हूँ, कहीं से रिस्पॉन्स शीट लेके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आंसर की से दिखा रहा हूँ, ये मैं खुद क्वेश्चन डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे सर आईटीआई लेवल का एग्जाम थोड़ी ना है, कितना इजी इजी क्वेश्चन दिखाते हो, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना आता। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये फिगर क्या बता रहा है। मीन्स आप अगर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये एक इन्वर्टर है, ये भी एक इन्वर्टर है और ये एक नॉर गेट है, इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करें इन्वर्टर की, तो ये अगर नॉर गेट है और नॉर गेट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा है जिसकी इनपुट ए है, मीन्स यहाँ पे आप इसको बबल की तरह रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। फिर ये भी एक इन्वर्टर लगा हुआ है बी इनपुट पे, तो यहाँ भी आप इसको बबल के टाइप पे यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर इस बबल को आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके आगे इस नॉट गेट की तरह रिप्रेजेंट कर दें और इस बबल को आप यहाँ पे ख़त्म कर दें, इस बबल को आप ख़त्म अगर कर देते हैं और तो क्या होगा, अगर इस बबल को आप ख़त्म करते हैं तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, ये सर्किट जो है आपको दिख रही होगी, ये एक नॉट गेट का सर्किट है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको कि ये बबल और इस बबल को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड करके नॉट गेट बना दिया, तो ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये एक एंड गेट का सर्किट है। क्या है दोस्तों? सॉरी, नैंड गेट का एक सर्किट आपको दिख रहा होगा। नैंड गेट सर्किट ये होगा क्योंकि ये बबल्ड नॉर बबल और गेट को नैंड गेट बोला जाता है। मीन्स अगर आप इसको रिप्लेस करें इस सर्किट को, तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ये हो जाएगा नैंड गेट। नैंड गेट इसके आगे फिर एक इन्वर्टर लग जाएगा। अब ये इन्वर्टर इस इन्वर्टर को कैंसिल आउट कर देगा, मीन्स जो इसका इक्विवेलेंट फिगर बन जाएगा वो एंड गेट बन जाएगा। तो इसका दोस्तों जो आंसर हो जाएगा, ये सर्किट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक एंड गेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो जाएगा इसका आंसर। एंड गेट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, जैसा कि मैंने बताया ये भी एक इन्वर्टर की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये इन्वर्टर इस इन्वर्टर को कैंसिल कर देगा तो आपके सामने क्या बचेगा? सिर्फ एक और गेट बचेगा जिसका इनपुट ए और बी होगा, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आप अगर इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, कुछ लोग दोस्तों यहीं पर घबरा जाएंगे कि ये है क्या, ये किस टाइप की सर्किट है। तो आप अगर गेट्स के बेसिक्स देखे होंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से देख के आगे बढ़ेंगे। तो अगला फिगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और पूछा जा रहा है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों ये क्या है? एक एक्सोर गेट है, ये एंड गेट है। तो आप अगर इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे तो ये ए एक्सोर बी यहाँ पे एक्सप्रेशन मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा ए बी एक्सप्रेशन मिलेगा। तो दोस्तों ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये एक सम का एक्सप्रेशन है, ये कैरी का एक्सप्रेशन है हाफ एडर के केस में। तो ये सर्किट क्या रिप्रेजेंट कर रही है दोस्तों? हाफ एडर रिप्रेजेंट कर रही है ये सर्किट। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू बुलियन एलजब्रा इसकी मीनिंग क्या होगी? ए प्लस ए बार की वैल्यू क्या होती है? अगर किसी भी वैल्यू को उसके कॉम्प्लीमेंट से ऐड किया जाए दोस्तों, तो उसकी वैल्यू वन आती है हमेशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन जनरल विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड एज अ शिफ्ट रजिस्टर? शिफ्ट रजिस्टर के केस में कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज होता है? तो दोस्तों जनरली जेके फ्लिप फ्लॉप यूज होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप यूज होता है शिफ्ट रजिस्टर के केस में टॉगल मोड में। जी हाँ दोस्तों, टॉगल मोड में यूज होता है जेके फ्लिप फ्लॉप शिफ्ट रजिस्टर के केस में। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा?
जेके फ्लिप फ्लॉप। अब दोस्तों अगर फुल एडर की बात करें तो फुल एडर क्या कंसिस्ट करता है, जैसा कि आपने फुल एडर पढ़ते टाइम आपको क्लियरली पता है फुल एडर में तीन इनपुट्स होते हैं ए बी एंड सी और दो आउटपुट्स होते हैं सम एंड कैरी। तो फुल एडर क्या होता है, जिसके पास तीन इनपुट्स और दो आउटपुट्स होते हैं। सेम मैनर में फुल सब्ट्रैक्टर भी होता है जिसके पास तीन इनपुट्स और दो आउटपुट्स होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द फ्लिप फ्लॉप सर्किट इज, फ्लिप फ्लॉप सर्किट क्या है दोस्तों, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। मैंने ये बहुत बार आप लोगों को क्वेश्चन करा भी दिया है और आपको पढ़ाते टाइम भी बहुत ही फोकस किया था इस टॉपिक पे भी, फ्लिप फ्लॉप बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्यों है, क्योंकि इसके पास दो स्टेबल स्टेट 0 और 1 होते हैं जिसके कारण ये बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑक्टल कोडिंग इन्वॉल्व ग्रुपिंग ऑफ बिट्स। ऑक्टल कोडिंग में क्या होता है, कितने बिट की ग्रुपिंग करती हैं, तीन बिट की ग्रुपिंग करती हैं ऑक्टल कोड में। ऑक्टल कोड में तीन बिट्स की ग्रुपिंग करते हैं। अगर हेक्साडेसिमल की बात करें तो उसमें दोस्तों चार बिट्स की ग्रुपिंग करते हैं जैसा कि आपको पता है। अब अगर दोस्तों दे दिया जाए इसका ये इसके ऑक्टल में क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ऑक्टल में रिप्रेजेंट करने के लिए दोस्तों बेसिकली क्या करते हैं कि हम इसके तीन तीन के ग्रुप्स बनाते हैं। अब जैसे तीन का ग्रुप बनाया तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टल वैल्यू डायरेक्टली हम लिख सकेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 और इसका तीन बनाया तो ये भी क्या हो जाएगा 6। ये आगे क्या है, अगर इसके तीन का नहीं बन रहा है तो इसके आगे 0 2 और एक्स्ट्रा दे देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0, मीन 0 6 6 हो जाएगा इसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, 0 6 6 हो जाएगा इसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर बात करें दोस्तों इसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन की, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो चार चार का यहाँ पे लेते हैं तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, ये चार नहीं बन रहा है, तीन ही बन रहा है तो उसके आगे 0 प्लेस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 3, मीन 36 ये रिप्रेजेंट करेगा हेक्साडेसिमल कोड में। तो हेक्साडेसिमल में चार की ग्रुपिंग करते हैं और ऑक्टल में तीन की ग्रुपिंग करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट अनसेचुरेटेड लॉजिक गेट। जो फास्टेस्ट लॉजिक गेट फैमिली होती है दोस्तों ECL फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली के कैटेगरी में आता है। जी हाँ दोस्तों ECL एमीटर कपल्ड लॉजिक जो होता है सबसे फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली के कैटेगरी में आता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एज कम्पेयर टू पैरेलल एडर सीरियल एडर। दोस्तों नाम से ही क्लियर है, अगर कोई काम पैरेलली में होता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और सीरियली में उसकी स्पीड क्या कम होती है, लेकिन सीरियल में दोस्तों वो थोड़ा एक्यूरेट होता है और पैरेलल में उतना एक्यूरेट नहीं होता। तो बात करें इस क्वेश्चन की तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग पैरेलल एडर क्या होता है, एज कम्पेयर टू पैरेलल एडर सीरियल एडर क्या होता है, लेस फास्टर मीन स्लोअर होता है पैरेलल एडर से। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अ डिकोडर इज अ, डिकोडर क्या है, डिकोडर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, आपको ये पता है। अब दोस्तों ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट क्यों है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट इसलिए है कि डिकोडर के पास कोई भी फीडबैक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसका जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करता है, इसके पास कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। अब अगर दोस्तों सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट की बात करें तो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट वो सर्किट्स होते हैं जिसमें फीडबैक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और उसके पास मेमोरी एलिमेंट भी होते हैं और उसका जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ साथ प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड करता है। तो ये डिफरेंस होता है कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का। अब अगर सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के कुछ एग्जांपल्स लें दोस्तों तो फ्लिप फ्लॉप, लैच, रजिस्टर एंड काउंटर्स, ये सब क्या है, सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के एग्जांपल्स। अब अगर बात करें कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का जो एग्जांपल है दोस्तों डिकोडर, इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, फुल एडर, हाफ एडर, ये सब एग्जांपल है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन सीरीज से कुछ क्वेश्चन रिवाइज हुए होंगे आप लोगों के और आपको ये कॉन्फिडेंस जरूर फील हुआ होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है, इसका आंसर मैं दे सकूंगा एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।